अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एन टी एन एट फ्लॉग अदब। आपका मेरे चैनल एन टी एन एट फ्लॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल से 2022-23 डेट ऑफ एग्ज़ाम 8 जनवरी, डेट ऑफ एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023, उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माँ जवाबात लेकर हाजिर हूँ कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। ये पार्ट 4 है, तो आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, रानी केतकी की कहानी में फूलकली क्या है? रानी केतकी की कहानी एक दास्तान है जो इंसा की है, उसमें फूलकली क्या है? तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, 5 सेकेंड के वक्त दिए जाने पर आप अपनी कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मालन है। फूलकली क्या है? एक मालन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा इंद्र का किरदार किस दास्तान में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी में राजा इंद्र का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दास्तान फसाने अजायब पहली बार कब और कहां से शाय हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1843 ईस्वी को लखनऊ से शाय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुर्की रोज़नामचा किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंशाल्लाह इंशा की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दास्तान बोस्तान ख्याल में साहिब कुरान असगर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बद्र मुनीर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकबाल के पहले शेरी मजमू बांग दरा को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 अदवार में तकसीम किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मजाज इंकलाब का ढिंडोरची नहीं इंकलाब का मुतरिब है, मजाज से मुतलिक ये बयान किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फैज अहमद फैज का ये कॉल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेल में से कौन सी नज्म फैज अहमद फैज की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तराना खिजा ये जो है फिराक गोरखपुरी की नज्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्लियामेंट में एक तकरीर किसका मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कन्हैया लाल कपूर का मजमून है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुरुस्त जोड़ की निशान नहीं कीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खजा के फूल ये आदिल रशीद का जो है ये रपुताज है, ये दुरुस्त है। शहर जो है ये इब्राहिम जलीस का रपुताज है, रोशनाई सज्जा जहीर का रपुताज है, छट्टा दरिया जो है फिक्र तौनसुई का रपुताज है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेल में से कौन सी तसनीफ मुल्ला वजही की नहीं है? मुल्ला वजही जो कुतुब शाही सल्तनत के एक अहम शायर भी और नसर निगार थे, इनमें से कौन सी तसनीफ उनकी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तोतीनामा ये गवासी की है। गवासी भी मुल्ला ये कुतुब शाही सल्तनत के वो भी शायर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मन टू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कृष्णचंद का ये कॉल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा इंद्र को कौन गुलफाम के बारे में आगाह करता है कि यहाँ एक इंसान आ गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लाल देव। क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू का कौन सा ड्रामा एक मंजूम ड्रामा है और उसके मुकालमे भी मंजूम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगा हसन ने अपना पहला ड्रामा कितने साल आफ्ताबे मोहब्बत,
आगा हसन ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत कितने साल की उम्र में लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, 18 साल की उम्र में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रातों का शहर किसका अफसानी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शौकत सिद्दीकी का अफसानी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नावल खुदा की बस्ती पहली बार कब शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1958 ईस्वी में शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, नावल खुदा की बस्ती में खान बहादुर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सरकारी अफसर है। ये बदजात सरकारी अफसर है, बदउनवान, जो रिश्वत के पैसे लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, ये गालिब का की गजल का मतला है। मजकुला बार शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सनत तलमी। किसी वाक्य या किस्से को जिस शेर में बढ़ता जाता है उसे सनत तलमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैकस को होश आयाक की है, परवाने को लौ चराग की है, मजकुरा बारा शेर में कौन सी सनत बढ़ती गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एहाम, इसे सनत एहाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उर्दू में गीत की रिवायत किस शायर के अहद से मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अमीर खुसरो के अहद से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंफ चाहर बैत किस जबान से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फारसी से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस नज्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुखम्मस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा लगाने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, तज़मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेखती का शौक रंग शात यार खान रंगीन की इजाद है, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का यह कॉल है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज के लिए इजाज़त दीजिए। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने WB सेट से मुतलिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो सेट के पेपर हुए थे वो भी पेपर मैंने अपलोड किया है और आंसर की के साथ अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाला है। और एक बात बता दूँ कि UGC नेट से मुतलिक और WB सेट से मुतलिक मेरी एक किताब मंजर यहाँ पर आ गई है जिसका नाम है मुताले अदब। वो किताब अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। मेरा नंबर है 7003875539 और एक नंबर है 8820992739, इससे आप मेरी किताब मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब दस्तयाब है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।